हाय दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हम आइडियल ट्रांसफार्मर कवर कर चुके हैं। फिर मैंने आपसे बोला था कि आइडियल ट्रांसफार्मर की एक एक करके सारी आइडियलिटीज को हम रिमूव करेंगे और हम ये देखेंगे कि एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर किस टाइप से वर्क करता है। अब मैंने एक नॉन आइडियलिटी इंट्रोड्यूस किया था जो कि था कोर लॉस, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि दो करेंट सोर्स से चलते हैं, एक कोर लॉस कंपोनेंट और एक मैग्नेटाइजिंग करंट, और दोनों ही कंपोनेंट के सम को हम कहते हैं नो लोड करंट ऑफ आ ट्रांसफार्मर। अब हम और नॉन आइडियलिटीज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, तो मैं मेनली दो नॉन आइडियलिटीज पे बात करूंगा, एक वाइंडिंग रेजिस्टेंस और एक लीकेज फ्लक्स। तो इसके बाद अगली नॉन आइडियलिटी लिखो पहले, ट्रांसफार्मर विद वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ट्रांसफार्मर विद वाइंडिंग रेजिस्टेंस। अब देखो, जो भी कॉपर की कॉइल यूज करने वाले हो ट्रांसफॉर्मर के अंदर, उस कॉपर कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। अगर उस कंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस होगा तो उसी को मैं यहां पे बोल रहा हूं वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एक ट्रांसफॉर्मर ड्रॉ कर लेते हैं भाई। सबसे पहले अब देखो, जो रेजिस्टेंस होता है ना वो वाइंडिंग के अंदर होता है, लेकिन ताकि हम लोग उसे देख पाए, हम लोग उसे ऑब्जर्व कर पाए, मैं क्या करने वाला हूं, मैं वो रेजिस्टेंस वाइंडिंग के बाहर ड्रॉ करने वाला हूं, ठीक है। तो ये मान लो ये जो प्राइमरी साइड है उसका रेजिस्टेंस हो गया R1, और ऐसे ही मान लो जो सेकेंडरी साइड है उसका रेजिस्टेंस मैंने दिखा दिया R2, ठीक है भाई। ये मान लो ये करंट है I1, ये करंट है I2, ये V2। अब मैं फ्लक्स दिखा देता हूं, फ्लक्स है फाई, ठीक है। यानी कि ये फ्लक्स कैसे घूम रहा होगा कोर के अंदर, क्लॉकवाइज। अब मैंने क्या बताया था, EMF की पोलैरिटी कैसी निकाली जाती है, कि फ्लक्स से अपोजिट इंड्यूस्ड फ्लक्स मानो और जो करंट की डायरेक्शन आएगी उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। अब अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ देखो यहां पे अपोजिट मानोगे, मान लो यहां पे जो फ्लक्स आएगा वो नीचे की तरफ आए, पहले मैं एक काम करता हूं, ये वाला फ्लक्स ना पूरा बना ही देता हूं ताकि थोड़ा बेटर विजुअलाइज कर पाओ। मान लो ये फ्लक्स हमने बना दिया, अब मैं क्या कहूंगा, जो भी इंड्यूस्ड फ्लक्स होगा वो इससे अपोजिट होना चाहिए, फाई इंड्यूस्ड, फाई इंड्यूस्ड, ठीक है। अब फाई इंड्यूस्ड अगर अपोजिट लोगे तो कैसे करंट आना चाहिए, करंट आगे से लेफ्ट जाना चाहिए और पीछे से राइट, यानी करंट इस वाले टर्मिनल से कायदे से लीव करना चाहिए, ऐसे आना चाहिए ना करंट। अभी ये छोड़ दो, मैंने ड्रॉ क्या किया, अभी के लिए देखो आना कैसे चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, यहां एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं, तो करंट के हिसाब से प्लस माइनस ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सोचो, इधर इधर फ्लक्स हमें अपोजिट चाहिए, ऊपर की तरफ चाहिए, यानी आगे से राइट और पीछे से लेफ्ट, तो करंट ऐसे ही जाना चाहिए। करंट अगर ऐसे जाना चाहिए तो यहां पे अगर एक रेजिस्टेंस लगा लो तो प्लस माइनस कैसे आएगा, प्लस माइनस। मुझे दोनों ईएमएफ की पोलैरिटी मिल गई, ठीक है। ये हो गया E2 और ये हो गया अपना E1, पोलैरिटी मैंने निकाल ली ना, और इधर प्राइमरी में अप्लाइड वोल्टेज है V1। ये मेरी बात क्लियर हुई। सबसे पहले मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्मर ड्रॉ करके मैंने पोलैरिटी निकाली है किसकी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की। इतना मेरी बात क्लियर होती है, ठीक है। तो पहले ये ड्रॉ करना, इसके बाद एक पॉइंट लिखो, द वाइंडिंग रेजिस्टेंस, द वाइंडिंग रेजिस्टेंस
is present inside the winding, the winding resistance is present inside the winding, but we have drawn it externally, and hence in order to apply KVL we derive polarity of induced EMF, by Lenz's law. ठीक है, पोलैरिटी आ गई. पोलैरिटी आने के बाद मैं एक चीज जरूर जानता हूं. क्या मैं जानता हूं कि एक बार पोलैरिटी निकाल लो फिर ईएमएफ लिखा जाता है एन डी फाइव बाई डी टी. और जब कभी एन डी फाइव बाई डी टी करते हो तो क्या हो जाता है केस, ईएमएफ लीड्स फ्लक्स बाय 90 डिग्री. ठीक है, क्योंकि पोलैरिटी निकाल ली उसके बाद अगर ईएमएफ देखोगे तो ईएमएफ विल लीड द फ्लक्स बाय 90 डिग्री. लेकिन हम सभी फेजर डायग्राम के अंदर क्या करते हैं, फॉर ऑल फेजर डायग्राम्स हम मानते हैं ईएमएफ लैग्स फ्लक्स बाय 90 डिग्री. ऐसा ही मैंने बोला था ना, जितने ही मैं फेजर बनाऊंगा उसमें मैं ईएमएफ को लैगिंग दिखाऊंगा. अब देखो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई मेरे लिए कि मैंने जो पोलैरिटी निकाली है उसके अकॉर्डिंगली ईएमएफ क्या होना चाहिए, लीड करना चाहिए फ्लक्स को. लेकिन अब यहां से जो आ रहा है हमें फेजर डायग्राम बनाने के लिए क्या लेना चाहिए, लैग. तो एक काम करते हैं, पहले मैं केवीएल इक्वेशन लिख लेता हूं. तो केवीएल बताओ क्या लगेगा, प्राइमरी साइड V1 माइनस वोल्टेज ड्रॉप में यानी माइनस I1R1 इज E1, यानी V1 इज E1 प्लस I1R1. एक तो ये रिलेशन मुझे मिल गया. ऐसे ही क्या करोगे, सेकेंडरी साइड पे E2 माइनस I2R2 इक्वल टू V2. केवीएल लगाया मैंने दोनों तरफ. ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि जो E1 E2 की मैंने पोलैरिटी निकाल ली है एक बार, तो अब अगर मैं इनका फेजर बनाऊंगा तो मुझे फ्लक्स से लीडिंग शो करना पड़ेगा, मैं फ्लक्स से लैगिंग नहीं शो कर सकता. लैगिंग कब शो कर सकते हैं, जबकि हम ईएमएफ को क्या लिखें, ईएमएफ को लिखें माइनस एन डी फाइव बाय डी टी. तो देखो क्यों ना एक काम किया जाए, यहां ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, फ्रॉम फर्स्ट ये जो E1 है ये क्या है, N1 d5 by dt. तो क्यों ना मैं V1 को ऐसे लिख लूं, मैंने E1 की जगह क्या कर दिया, माइनस E1, बट नाउ E1 इज माइनस N1 d5 by dt एंड हेंस लैग्स फ्लक्स बाय 90 डिग्री. बात समझ आई मेरी, मैंने सिर्फ क्या कहा, ईएमएफ को लीड कराना है, तो मैंने अगर ईएमएफ को लैगिंग मानूंगा तो उसका नेगेटिव क्या करेगा, लीड. तो ईएमएफ को लीड तो करवाना ही था, तो मैंने दो बार माइनस ले लिया, एक एनडीफाई बाई डी टी में और एक केवीएल की इक्वेशन में, ऐसा मैंने ले लिया. ठीक है, अब ऐसे ही देखो दूसरी इक्वेशन में ध्यान दें अगर, या चलो पहले इसका फेजर बनाना शुरू करते हैं. अब मैं फेजर कैसे बनाता हूं देखना, पहले की तरह बनाएंगे. सबसे पहले मैंने बना लिया फ्लक्स, फ्लक्स के सेम फेज में हमेशा होता है हमारा IMU. थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ये हो गया अपना IMU.
अब आई म्यू से अगर या फ्लक्स से लैगिंग दिखाना है दोनों ईएमएफ, तो मान लो ये ई1 है और ये ई2 है। अगेन मैंने ये मान रखा है कि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी साइड पे ज्यादा हैं, इसीलिए ईएमएफ भी उसका ज्यादा है। ये 90 डिग्री लैग कर रहा है। अब इसके बाद क्या करते हैं, मैंने बोला ईएमएफ की इक्वेशन या केवीएल इक्वेशन में ई1 का नहीं माइनस ई1 का यूज होगा। अब माइनस ई1 का अगर यूज करना है तो ये मैंने ई1 का नेगेटिव ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये हो गया माइनस ई1। अब मैं क्या करता हूं, माइनस ई1 के सेम फेज में क्या बनाता हूं, आईडब्ल्यू। आईडब्ल्यू आई म्यू से बहुत छोटा होता है, ये दोनों का सम करके आ गया आई नॉट। ऑलरेडी इतना फेजर देख चुके थे ना। इसके बाद अगला स्टेप क्या करते थे, ईएमएफ से लैगिंग बनाते थे करंट सेकेंडरी साइड का। ये सेकेंडरी साइड का करंट मान लो, ये फाई एंगल लैग कर रहा है, ठीक है, फाई टू बोल दो सेकेंडरी साइड का पावर फैक्टर। अब मैंने क्या बोला था, इसका रिफ्लेक्शन लिया जाता है प्राइमरी में जिस करंट को हमने लिखा था I1 डैश लिखा था ना, वो इससे अपोजिट बना देते हैं। I1 डैश, ठीक है, फिर I1 डैश और I0 जुड़ करके क्या बना लेते हैं, I1 डैश और I0 जुड़ करके बना लेते हैं अपना I1। ये आ गया ना I1। यहां तक तो हम ऑलरेडी फेजर देख चुके थे जब हमने सेमी आइडियल ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड की बात की थी। अब इसके आगे की मुझे बात करनी है, अब मुझे क्या लेना है, वोल्टेज ड्रॉप। तो देखो सबसे पहले V1 लिखने के लिए क्या लिखना है, माइनस E1 प्लस I1 R1। I1 R1 माने रेजिस्टेंस का वोल्टेज करंट के सेम फेज में होता है हमेशा, तो माइनस E1 की टिप से बना लो I1 R1, और यहां से जो भी वोल्टेज आएगा ये हो जाएगा V1, ठीक है, ये I1 R1 है। अब ऐसे ही और क्या करना है मुझे, V2 निकालने के लिए E2 में से I2 R2 सब्ट्रैक्ट करना है। E2 में से I2 R2 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है I2 से अपोजिट फेज में बनाना, माइनस साइन माने अपोजिट फेज होता है ना, तो ये हुआ माइनस I2 R2। तो यहां से जो वोल्टेज मिलेगी ये होगी अपनी V2, ठीक है। तो ये हमारा फेजर डायग्राम बन जाता है इन केस ऑफ वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ये बात क्लियर है। तो देखो आइडियली अगर देखो मैं इसका करेक्ट फेजर तुम्हें बताऊं, अगर मैं इसका करेक्ट फेजर बताऊं जो सर्किट के हिसाब से आना भी चाहिए, सर्किट के हिसाब से माने अगर लीडिंग मानते, प्रैक्टिकली देखना इसका फेजर क्या आना चाहिए, ये तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ड्रॉ कर रहे हैं ऐसा। अगर मैं एक्चुअल फेजर की बात करूं प्रैक्टिकली इसका फेजर क्या बनना चाहिए, पहले फ्लक्स लोगे फाई, सेम फेज में लोगे आई म्यू। अब जब हम ईएमएफ की पोलैरिटी निकाल चुके हैं तो कायदे से ईएमएफ को क्या करना चाहिए था, लीड करना चाहिए था, तो ये ई2 और ये ई1, मैंने अभी भी क्या माना है N2 greater than N1। अब इसी के सेम फेज में बना लो IW, IW और आई म्यू का सम मिलकर के हो जाता है I0, ठीक है। अब E2 से लैगिंग करंट ले लो I2, और I2 के सेम फेज में ही होता है एक्चुअल में I1 डैश। I1 डैश और I0 को अगर जोड़ दिया जाए तो यहां से मिलता है I1, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि V1 is E1
प्लस आई वन आर वन एंड वी टू इज ई टू माइनस आई टू आर टू। ई वन में आई वन आर वन अगर ऐड करना है तो ये होगा आई वन आर वन, ये बन जाएगा वी वन। ई टू में अगर आई टू आर टू ऐड करना है तो I2 के सेम फेज में आएगा ना I2 R2, तो ये हो गया I2 R2, तो ये हो गया V2। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा फेजर डायग्राम बनेगा अगर हम एक्चुअल की बात करें सर्किट के लिए। लेकिन देखो इसमें क्या हुआ ना कि बहुत ज्यादा क्राउडेड हो गया, इसीलिए ज्यादा कन्वीनियंस के लिए हमने क्या किया है कि प्राइमरी का फेजर ऊपर की तरफ बनाया है, सेकेंडरी का नीचे की तरफ। बट अगर एग्जैक्ट सर्किट के हिसाब से फेजर बनता तो दिस शुड बी द करेक्ट फेजर डायग्राम। तो देखो कंफ्यूज होने की यहां बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैंने एक चीज बताई थी ईएमएफ लैग भी कर सकता है और ईएमएफ लीड भी कर सकता है। अगर तुम्हें सर्किट डायग्राम गिवन है जैसा कि मैंने यहां पर दिखाया भी है, अगर ऐसे सर्किट डायग्राम गिवन है तो हमेशा क्या करोगे, लेंज लॉ से पोलैरिटी निकालोगे, फिर ईएमएफ में लिखोगे एन डी फाई बाई डी टी, तब ईएमएफ फ्लक्स को लीड करेगा 90 डिग्री, और बाद में तो केवीएल का फेजर है तो ये वाला करेक्ट फेजर है। लेकिन हम स्टैंडर्ड क्या फॉलो कर रहे हैं कि हम लोग सेकेंडरी का फेजर फ्लक्स से लैग करके बना रहे हैं और प्राइमरी का लीड करवा के बना रहे हैं, उससे फायदा ये हो रहा है कि फेजर की रीडेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये लिखना, इफ ट्रांसफॉर्मर सर्किट इज एक्चुअली गिवन, इफ ट्रांसफॉर्मर सर्किट इज एक्चुअली गिवन द सेकेंड फेजर वुड बी करेक्ट, द सेकेंड फेजर वुड बी करेक्ट बेस्ड ऑन नेटवर्क एनालिसिस, बेस्ड ऑन नेटवर्क एनालिसिस, बट इन केस ऑफ फर्स्ट फेजर, बट इन केस ऑफ फर्स्ट फेजर इट इज मोर रीडेबल, इट इज मोर रीडेबल बिकॉज प्राइमरी साइड क्वांटिटीज, इट इज मोर रीडेबल बिकॉज प्राइमरी साइड क्वांटिटीज आर ड्रॉन अबव द फ्लक्स, आर ड्रॉन अबव द फ्लक्स and secondary side quantities are drawn below the flux, secondary side quantities are drawn below the flux। ठीक है, करेक्ट फेजर डायग्राम एक्चुअल में ये होना चाहिए बट वो ज्यादा रीडेबल है। तो ये ध्यान रखना है जो फेजर में हम 180 का शिफ्ट दिखा रहे हैं, 90 लैग 90 लीड दिखा रहे हैं, इतना सब क्वेश्चंस में कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो ये बात समझोगे कि ये सब फेजर डायग्राम न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए घबराना मत कि ये दो दो फेजर डायग्राम हम कैसे बना रहे हैं। एक तो मैं वैसे ही बना रहा हूं जैसे नेटवर्क का हर एक फेजर डायग्राम बनता है, एक मैं ट्रांसफॉर्मर के लिए अलग से क्यों बना रहा हूं कि मैं प्राइमरी और सेकेंडरी की क्वांटिटीज को सेपरेटेड दिखाता हूं। तो एक पॉइंट भले ही और लिख लेना, प्रैक्टिकली I1 dash and I2, I1 dash and I2 lie in same phase, I1 dash and I2 lie in same phase। ठीक है, दिखाते बस अपोजिट है, मैंने पहले भी बताया था अपोजिट क्यों दिखाते हैं, MMF कैंसिलेशन के लिए। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं कॉपर लॉस की, कॉपर लॉस का मतलब ओमिक लॉस जो कॉपर वाइंडिंग में आए, इसको मैं PCU लिख देता हूं, तो ये हुआ I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2। अब इसमें दिक्कत ये है कि कॉपर लॉस अगर मुझे निकालना है तो मुझे प्राइमरी सेकेंडरी दोनों साइड देखना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कॉपर लॉस एक ही तरफ से निकालना। तो एक पॉइंट और लिखो, when we refer any quantity from one side of transformer, any quantity
from one side of transformer to the other, one side of transformer to the other, voltage and current change, voltage and current change, but power remains same, but power remains same. तो कहने का मतलब ये है कि तुम किधर भी ले लो सर्किट, बट पावर तुम सेम रखोगे. तो मैं कहता हूं, इफ एंटायर रेजिस्टेंस इज रेफर्ड टू प्राइमरी, तो मुझे कॉपर लॉस या पावर को सेम रखना है, तो एंटायर रेजिस्टेंस मान लो आर जीरो वन आ रहा है, प्राइमरी पे है तो करंट क्या होगा उसके अंदर, आई वन. This should be ठीक है, आई वन स्क्वायर से डिवाइड कर लो दोनों साइड, और देखो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इंपीडेंस रेफरल. भाई जब प्राइमरी पे लाना है टोटल रेजिस्टेंस, तो R1 तो पहले से प्राइमरी पे है, R2 को प्राइमरी पे कैसे लेके आओगे, मैंने क्या बताया था इंपीडेंस रेफर करते वक्त, डेस्टिनेशन अपॉन सोर्स नंबर ऑफ टर्न्स. सेकेंडरी पे रेजिस्टेंस है, जा कहां रहे हो प्राइमरी, तो प्राइमरी हुआ डेस्टिनेशन, कहां से जा रहे हो सेकेंडरी से, इसीलिए एन वन बाय एन टू का स्क्वायर. सेम वे में अगर एंटायर रेजिस्टेंस सेकेंडरी रेफर किया जाए, इफ एंटायर रेजिस्टेंस इज रेफर्ड कहां पे, सेकेंडरी पे, तो कितना बनेगा भाई, डायरेक्ट लिखने की कोशिश करो. देखो R2 तो पहले से ही सेकेंडरी पे है, R1 को लेके जाना है, कहां जाना है सेकेंडरी पे, कहां से जाना है प्राइमरी से, ठीक है. तो ये हमारे पास आ जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर पूरा रेजिस्टेंस किसी एक साइड पे रेफर कर दिया जाए. ये बात क्लियर हुई, ठीक है. आगे इसके बारे में मैं ज्यादा बातें पर यूनिट सिस्टम के अंदर करूंगा, जब हम ये देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर को पर यूनिट सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, तब इसके बारे में और बात करेंगे. अभी के लिए बस ये देखो कि रेजिस्टेंस कैसे मैंने रेफर किया है, जैसे हमने आइडियल ट्रांसफॉर्मर में देखा था इंपीडेंस रेफरल. यहां मैंने कॉपर लॉस के बेसिस पे समझाया है, वहां मैंने तुम्हें वोल्टेज और करंट के रेशियो से समझाया था. तो एक पॉइंट ये लिख लो, द वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज रेफर्ड फ्रॉम one side to the other, from one side to the other, in the same way as in ideal transformer, ठीक है, ये मेरी बात क्लियर हुई. तो अब आगे चलते हैं, ठीक है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस वाला पार्ट क्लियर है ना. एक IR का वोल्टेज ड्रॉप और ऐड आ गया है हमारा इन केस ऑफ वाइंडिंग रेजिस्टेंस. और रेजिस्टेंस सीरीज में ही क्यों दिखाया, क्योंकि देखो जो भी करंट वाइंडिंग में जा रहा है वही करंट वाइंडिंग के रेजिस्टेंस से जाना चाहिए, और वो ओनली पॉसिबल है सीरीज कनेक्शन के अंदर, ठीक है. ये बात क्लियर हुई, जो भी भाई वाइंडिंग का करंट है वही तो उसके रेजिस्टेंस से जाएगा, तो कनेक्शन तो सीरीज ही दिखाओगे. अब अगला लिखो, Transformer with leakage flux. अब देखो मैंने लीकेज फ्लक्स क्या बताया था, ट्रांसफॉर्मर में जो फ्लक्स एयर से अपना पाथ कंप्लीट कर ले, कोर से बाहर चला जाए, उसे कहेंगे लीकेज फ्लक्स. तो पहले मैं वाइंडिंग बना लेता हूं, ठीक है. अब यहां लीकेज फ्लक्स समझने की कोशिश करना पहले, तो
अब मैं दोबारे से लेंस लॉ से जो है ना पोलैरिटी डिराइव नहीं करने वाला हूं, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी इंक्लूडेड मान के चलो, जो जो नॉन आइडियलिटी आ चुकी है उन्हें हटाना नहीं है, ठीक है, उसमें एड ऑन हमें करते जाना है। तो मैं पहले से तुम्हें ईएमएफ की पोलैरिटी दिखा रहा हूं क्योंकि अभी लास्ट केस में डिराइव की है। ये रेजिस्टेंस हो गया आर वन, ये करंट हो गया आई वन, ये करंट हो गया आई टू। अब देखो प्राइमरी का करंट जैसे हिसाब से मैंने दिखाया है इसका फ्लक्स कैसे बनेगा, ये चीज पे ध्यान देना। करंट ऐसे आगे से राइट जा रहा है, पीछे से लेफ्ट जाएगा, तो फ्लक्स कैसा आएगा, थंब की डायरेक्शन में अपवर्ड्स। तो भाई ये अपना बन गया फ्लक्स, ये बन गया ना अपना फ्लक्स, ठीक है, ये फ्लक्स है म्यूचुअल, म्यूचुअल माने जो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों से पास करे, या भी इसको फाइव एम वन कह दो, म्यूचुअल ड्यू टू वन। अब ऐसे देखो सेकेंडरी का करंट कैसे है, सेकेंडरी का फ्लक्स कैसा बनना चाहिए भाई, आगे से राइट पीछे से लेफ्ट, ये भी अपवर्ड्स बनेगा, तो इसको भी ड्रॉ कर लो अपवर्ड्स, ये बना अपवर्ड्स, अपवर्ड्स बन के किधर जाएगा, लेफ्ट इस टाइप से जाएगा, ठीक है। तो एक फ्लक्स जा रहा है क्लॉकवाइज और दूसरा फ्लक्स जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं ये कह देता हूं ना रिजल्टेंट जो म्यूचुअल फ्लक्स है वो कितना है, अगर M1 माइनस M2 लिख रहे हो तो तुम मान रहे हो क्लॉकवाइज, अगर M2 माइनस M1 लिखते तो मान लेते एंटी क्लॉकवाइज, ये माना। अब देखो इस वाइंडिंग का फ्लक्स यहां से ऊपर की तरफ बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्या जरूरी है कि कोर में से ही जाएगा, ये फ्लक्स ऊपर जाके ऐसे भी तो रास्ता कंप्लीट कर सकता है, ये हो गया, ऐसे ही ऊपर जाके यहां से भी रास्ता कंप्लीट किया जा सकता था, ये हो गया, तो इसको हमने बोल दिया फाई एल वन। सेम वे में इस वाइंडिंग का भी फ्लक्स ऊपर की तरफ बन रहा है तो रास्ता तो यहां से भी कंप्लीट कर सकता है, ये क्या होगा फाई एल टू, रास्ता तो इधर से भी कंप्लीट हो सकता है फाई एल टू। यानी कि फ्लक्स के पास दो रास्ते हैं, या तो वो कोर से फ्लो करे या फिर वो चाहे तो अपना रास्ता एयर से भी कंप्लीट कर सकता है, जो एयर से कंप्लीट कर ले एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग तक ना पहुंचे उसे कहोगे लीकेज फ्लक्स। तो इसमें लिखना लीकेज फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स ओनली लिंक्स, लीकेज फ्लक्स ओनली लिंक्स वन ऑफ द टू वाइंडिंग्स, ओनली लिंक्स वन ऑफ द टू windings एंड कंप्लीट इट्स closed लूप पाथ, एंड कंप्लीट इट्स closed लूप पाथ थ्रू द एयर, थ्रू द एयर। अब देखो यहां पे हमारे पास कितने flux आ गए, हमारे पास आ गए चार flux, फाइव एम वन कोर फ्लक्स कह दो या म्यूचुअल फ्लक्स ड्यू टू प्राइमरी, फाइव एम टू कोर फ्लक्स ड्यू टू सेकेंडरी, इसके बाद फाइव एल वन लीकेज फ्लक्स ड्यू टू प्राइमरी और फाइ एल टू लीकेज फ्लक्स ड्यू टू सेकेंडरी।
अब हम ये जानते हैं कि जो नेट म्यूचुअल फ्लक्स हमारे पास आ रहा है, कोर का फ्लक्स, नेट कोर फ्लक्स है फाई एम वन माइनस फाई एम टू, जिसको कि बोल दोगे फाई, ठीक है। अब प्राइमरी वाइंडिंग में कितना फ्लक्स है, देखो प्राइमरी वाइंडिंग में फाई एल वन है अपवर्ड्स, फाई एम वन है अपवर्ड्स और फाई एम टू है डाउनवर्ड्स। तो ऐसे लिख लो, प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स है फाई प्लस फाई एल वन, ऐसे सेकेंडरी वाइंडिंग का फ्लक्स होगा फाई प्लस फाई एल टू, यानी लीकेज फ्लक्स प्लस म्यूचुअल फ्लक्स, ठीक है। तो एक पॉइंट ये लिखना, द नेट फ्लक्स लिंकिंग अ कॉइल is sum of mutual and leakage flux. अब अगर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो, देखो -n1 d phi l1 by dt, तो जो पहले हम लिख रहे थे e1, तो ये हो गया e1 plus e l1, leakage emf। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन को n2 से मल्टीप्लाई करके डिफ्रेंशिएट कर दो, यानी -n2 d phi by dt minus n2 d phi l2 by dt, तो ये हो गया e2 plus e l2, ठीक है। तो अब दोनों वाइंडिंग में जो ईएमएफ बन रहा है उसमें एक तो ईएमएफ वही है पुराने वाला n d phi by dt या minus n d phi by dt, और दूसरा ईएमएफ कौन सा बन रहा है हमारा, दूसरा ईएमएफ बन रहा है हमारा लीकेज वाला ईएल। अगला पॉइंट लिखना, ड्यू टू लीकेज फ्लक्स देयर इज एन एडिशनल ईएमएफ, इंड्यूस्ड इन ईच वाइंडिंग, called as leakage EMF. अब जो पहले वाली KVL इक्वेशन लिखी थी उसके हिसाब से अगर हम लिखें, तो V1 को लिखूंगा माइनस, पहले सिर्फ E1 लिख रहा था ना, अब रिजल्टेंट EMF लिखूंगा E1 plus EL1 plus I1 R1, ऐसे V2 को लिखूंगा E2 plus EL2 minus I2 R2, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसके फेजर डायग्राम की बात करते हैं कि फेजर में क्या होगा। अगेन याद रखना, देखो प्रैक्टिकल फेजर अलग बनता है, मैं जो फेजर बनाऊंगा उसमें प्राइमरी साइड की सारी क्वांटिटीज फ्लक्स के ऊपर और सेकेंडरी वाली सारी फ्लक्स के नीचे, ठीक है। अब देखें, देखो सबसे पहले मैं बना लेता हूं फ्लक्स, ठीक है, इसके सेम फेज में आई म्यू। अब मैं क्या करता हूं, ईएमएफ पहले की तरह लैगिंग दिखाता हूं, ई वन और E2, अभी भी मैंने N2 N1 से बड़ा मान रखा है, लिख नहीं रहा हूं दोबारे से, ये आ गया E1 का नेगेटिव माइनस E1, पहले जितना बेसिक नॉलेज है ना उतना ड्रॉ कर लो, IW I नॉट हो गया, ठीक है, सेकेंडरी का करंट I2, लैगिंग बाय एन एंगल phi2, ठीक है। अब इससे अपोजिट
I1 डैश, ठीक है, I1 डैश और I0 का जो सम आएगा तो ये जो सम आएगा दैट विल बी I1। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखो जो लीकेज फ्लक्स है प्राइमरी पे बनाया है I1 ने, सेकेंडरी पे बनाया है I2 ने, और हम जानते हैं कि फ्लक्स करंट के सेम फेज में आता है। देखो जो फाई था वो बनाने वाला करंट कौन सा था, I μ, तो I μ के फेज में आया। ऐसे ही अब की बार I1 की वजह से लीकेज बना है तो लीकेज फ्लक्स जो आएगा वो इसके सेम फेज में आएगा। ऐसे सेकेंडरी का लीकेज फ्लक्स भी इसके सेम फेज में। अब हम क्या जानते हैं कि लीकेज फ्लक्स से लीकेज ईएमएफ 90 डिग्री लैग करेगा, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं, माइनस एन डी फाई बाय डीटी। तो एक पॉइंट ये भी लिखो, द लीकेज फ्लक्स लाइज इन, द लीकेज फ्लक्स लाइज इन द सेम फेज एज द लीकेज फ्लक्स लाइज इन द सेम फेज एज द करेंट कैरीड बाय वाइंडिंग, एज द करेंट कैरीड बाय वाइंडिंग एंड द लीकेज ईएमएफ, एंड द लीकेज ईएमएफ विल लैग द लीकेज फ्लक्स, लीकेज ईएमएफ विल लैग द लीकेज फ्लक्स बाय 90 डिग्री, बाय 90 डिग्री। तो देखो ये हुआ अपना EL1, ठीक है, और इधर से ऐसे आ जाएगा, ये यहां से 90 डिग्री और ये यहां से 90 डिग्री, ये होगा EL2, ये आ गए लीकेज EMF। अब देखो KVL इक्वेशन बनाना है, माइनस E1 माइनस EL1 करना पड़ेगा, ये माइनस साइन अंदर ले लो तो माइनस EL1 करोगे ना, माइनस EL1 माने इस तरफ, ठीक है, फिर प्लस I1 R1 तो I1 के सेम फेज में ही होगा, तो ये जो I1 R1 बन रहा है ना ये I1 के सेम फेज में है। अब ये सारी क्वांटिटीज ऐड करके क्या मिल जाएगा हमें, हमें यहां पे मिल जाएगा V1, ये आ गया V1। ऐसे ही फिर E2 में EL2 ऐड करना है, फिर I2 R2 सब्ट्रैक्ट करना है, और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, फिर ये मिल जाएगा V2, ठीक है। तो अब हमारे पास पूरा फेजर डायग्राम बन गया एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर का, जिसमें हमारे पास लीकेज भी है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस भी है, कोर लॉस भी है, तो सारी क्वांटिटीज इंक्लूड करके ये बनता है कंप्लीट फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम पे देखो ज्यादातर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कि फेजर डायग्राम पे देखो, वैसे तो पहली बात मैं बताऊं कि बहुत रेयर है कि क्वेश्चन पूछा जाए। अब दो तरह से देखना, हमेशा दो चीजें ऑब्जर्व करना, पहली बात कि क्या ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन दिया है या नहीं। ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन दिया है तो जैसा मैं पहले भी कई बार दोहरा चुका हूं, सबसे पहले ईएमएफ की पोलैरिटी निकालो लेंज लॉ से, एक बार पोलैरिटी आ जाए उसके बाद ईएमएफ लिखोगे एन डी फाई बाई डी टी अगर सेम पोलैरिटी है जो गिवन है, और माइनस एन डी फाई बाई डी टी अगर अपोजिट है। तो अगर एन डी फाई बाई डी टी लिखा तो ईएमएफ लीडिंग बनाओगे, माइनस एन डी फाई बाई डी टी लिखा तो ईएमएफ लैगिंग बनाओगे। मेरी बात क्लियर हुई, ठीक है। फेजर डायग्राम में बस इतना ध्यान रखना, बहुत बेसिक सा फेजर डायग्राम पूछ सकते हैं, ये कंप्लीट फेजर डायग्राम किसी भी सब्जेक्टिव पेपर में बनवाया जा सकता है, बट ऑब्जेक्टिव पेपर में नहीं, ठीक है। आगे चलें, अब देखो यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, तो मैं पहली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूं, अब देखो ये जो EL1 है ये I1 से 90 डिग्री लैग कर रहा था ना, ये चीज समझना, EL1
लैग्स आई वन बाय 90 डिग्री। क्यों लैग कर रहा था? देखो आई वन के सेम फेज में आया फाइ एल वन और उससे 90 डिग्री लैगिंग आया ई एल वन। मेरी बात क्लियर हुई? तो इसका मतलब मैं क्या समझूं कि जब इस इक्वेशन में माइनस ई एल वन आ रहा है तो ई एल वन अगर लैग कर रहा है तो माइनस ई एल वन लीड करेगा, उल्टा बनेगा ना। तो अगर एक फेजर लैग करता है तो उसका नेगेटिव क्या करेगा? लीड करेगा। लीड बाय 90 डिग्री का मतलब जे लिख लो, तो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस जे क्या बता रहा है? 90 डिग्री का शिफ्ट। और आई वन क्यों आ रहा है? आई वन आ रहा है कि ईएमएफ जो है वो आई वन के प्रोपोर्शनल है। वो कैसे? देखो, ज्यादा करंट ज्यादा फ्लक्स, ज्यादा फ्लक्स से बनेगा ज्यादा ईएमएफ। तो इसके बाद एक पॉइंट और लिखो, द लीकेज ईएमएफ प्रोड्यूस्ड, द लीकेज ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू लीकेज फ्लक्स, इज प्रोपोर्शनल टू लीकेज फ्लक्स एंड हेंस, एंड हेंस इट इज प्रोपोर्शनल टू वाइंडिंग करेंट, एंड हेंस इट इज प्रोपोर्शनल टू वाइंडिंग करेंट। मेरी बात क्लियर हुई? ऐसे ही अब आगे चल दो, वी वन की अगर पूरी इक्वेशन अब लिख दी जाए तो ये होगी माइनस ई वन प्लस आई वन आर वन प्लस जे आई वन एक्स एल वन। यहां तक पहुंच गए ना। अब ऐसे ही बात करो ई एल टू की। जैसे तुमने बोला ई एल वन लैग करता है आई वन को, तो ई एल टू लैग करेगा आई टू को। कितने एंगल से? 90 डिग्री से। कैसे? देखो I2 के फेज में आ रहा है फाइ एल टू, फाइ एल टू से EMF 90 डिग्री लैग कर रहा है। लैग माने देखो क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है ना, 90 डिग्री लैग कर रहा है। अब 90 डिग्री लैग कर रहा है इसीलिए EL2 को लिख दूंगा माइनस 90 डिग्री, दिखाना है ना, तो माइनस J से हो सकता है। अगर प्लस जे प्लस 90 डिग्री बताता है तो माइनस जे क्या बताएगा? माइनस 90 डिग्री। अब V2 की इक्वेशन लिख दो फिर इस लॉजिक से, V2 इज E2, फिर प्लस EL2 को क्या लिखोगे? माइनस जे आई टू एक्स एल टू माइनस आई टू आर टू। तो ये आ गई V2 की इक्वेशन। अब देखो इससे क्या समझे। सबसे पहले मैंने तुम्हें कंसेप्चुअली समझाया कि ट्रांसफॉर्मर का वो फ्लक्स जो एयर से अपना पाथ कंप्लीट कर ले उसे कहेंगे लीकेज फ्लक्स। ये चीज मैंने समझाई। अब इसके बाद मैंने क्या बोला कि इस लीकेज फ्लक्स से 90 डिग्री लैगिंग होता है लीकेज ईएमएफ, तो लीकेज फ्लक्स को ना कंसीडर करते हुए उसे ईएमएफ में कन्वर्ट कर लिया था ईएल वन और ईएल टू। अब इस लीकेज ईएमएफ को मैंने बोला ये करंट के प्रोपोर्शनल होगा और 90 डिग्री का शिफ्ट होगा। 90 डिग्री के शिफ्ट के लिए जे आया, करंट के लिए करंट आया, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मैंने बोला एक रिएक्टेंस से शो करो। ये बात क्लियर हुई? क्योंकि करंट और वोल्टेज का जो 90 डिग्री का शिफ्ट है वो तो एक इंडक्टर शो कर सकता है ना। तो मैंने बोला जब करंट के प्रोपोर्शनल भी है तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या मान लो? रिएक्टेंस। तो इसमें एक पॉइंट लिखना, द लीकेज फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ, द लीकेज फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ लीकेज ईएमएफ, इन टर्म्स ऑफ लीकेज ईएमएफ विच इटसेल्फ इज रिप्रेजेंटेड, विच इटसेल्फ इज रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ, which itself is represented by means of a leakage reactance, by means of a leakage reactance, ठीक है। तो ये ध्यान रखना लीकेज रिएक्टेंस जैसी एक्चुअल में कोई इंडक्टेंस या रिएक्टेंस नहीं होती। क्या होता है? लीकेज फ्लक्स होता है, उस फ्लक्स को शो किया जाता है एक रिएक्टेंस से। तो अब आगे जितनी भी मशीन में कहीं लीकेज रिएक्टेंस टर्म दिखे तो ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि लीकेज रिएक्टेंस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल रिएक्टेंस विच रिप्रेजेंट्स लीकेज फ्लक्स इन अ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है।
मेरी बात यहां तक क्लियर है? तो अब देखो अपने पास केवीएल की इक्वेशंस बन चुकी हैं। ये दो इक्वेशन आ गई ना। अब सेम वे में देखो, जैसे रेजिस्टेंस रेफर किया था, लीकेज रिएक्टेंस को भी रेफर कर सकते हो एक साइड पे, क्योंकि इंपेडेंस हमें रेफर करना आता है ना। अगर मैं कहूं, मुझे बताओ लीकेज रिएक्टेंस ओवरऑल प्राइमरी पे, 0-1 का मतलब ऑन प्राइमरी, तो क्या लिखोगे? ये तो पहले से ही प्राइमरी पे है, और जो एक्सएल टू को लाओगे सेकेंडरी से प्राइमरी, तो ऊपर प्राइमरी के टर्म्स और नीचे सेकेंडरी के टर्म्स, तो ये हो गया एक्सएल टू। सेम वे में एक्सएल 02 जब लिखोगे, तो सेकेंडरी वाली तो सेकेंडरी पे है ही, प्राइमरी को जब सेकेंडरी ले जाओगे तो N2/N1 का स्क्वायर XL1। तो ऐसे ही लीकेज इंपिडेंस, सॉरी लीकेज रिएक्टेंस को भी रेफर किया जा सकता है फ्रॉम वन साइड टू दी अदर। जैसे अभी हमने रेजिस्टेंस रेफर किया था, ऐसे ही क्या रेफर हो रहा है? लीकेज रिएक्टेंस। तो ये भी पॉइंट लिख लो, लीकेज रिएक्टेंस कैन ऑल्सो बी, लीकेज रिएक्टेंस कैन ऑल्सो बी रेफर्ड, कैन ऑल्सो बी रेफर्ड फ्रॉम वन साइड टू दी अदर, from one side to the other, like winding resistance, like winding resistance, ठीक है। अब जितना डेटा देखो हम कलेक्ट कर चुके हैं फेजर डायग्राम के टर्म्स में, उसके यूज से हम ट्रांसफॉर्मर को एक सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हमने मैग्नेटिक सर्किट बनाए थे ना, मैग्नेटिज्म के जितने भी एलिमेंट्स थे उसको मैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट में ले आया था, सेम वे में ऐसे ही ट्रांसफॉर्मर का भी सर्किट बनाया जा सकता है। अब कैसे बनेगा सर्किट देखो, अभी तक जो हमने सर्किट देखा था, हमने क्या देखा था कि एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर रहता है, ऐसे आइडियल ट्रांसफॉर्मर दिखा रहा था ना मैं बीच में, N1:N2। और फिर मैंने प्राइमरी साइड पे क्या दिखाया था, मैंने एक शंट ब्रांच दिखाई थी पिछले वीडियो के अंदर, ये थी RC और XM, ठीक है। अब लेकिन देखो, अगर ये वाला EMF E1 है और ये वाला EMF है E2, ये करंट है बाहर जाता हुआ I2 और ये अंदर आता हुआ I1-, ये करंट था I0, तो इधर से करंट कितना आया I1। अब देखो मुझे इस टर्मिनल की वोल्टेज चाहिए V1। अगर ध्यान से देखोगे V1 में दो टर्म्स ऐड होनी चाहिए, I1R1 और JI1XL1। तो I1 इस ब्रांच का करंट है, तो इसमें दो एलिमेंट सीरीज में आ जाएंगे, ये होगा R1 और ये JXL1, ये आ गए ना सीरीज में। अब देखो V1 E1 में सेम रिलेशन बन गया, ऐसे V2 बनाने के लिए E2 में से दो टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है, I2R2 और I2JXL2। तो ये ध्यान रखना, रेजिस्टेंस तो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये जो रिएक्टेंस है ये हाइपोथेटिकल है, इट शोज लीकेज फ्लक्स। ये बन गया ना सर्किट। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि मेरी KVL इक्वेशन में -E1 आ रहा था और यहां तो मैंने E1 दिखाया है, मैंने ये चीज बोली थी, ये सब कुछ मैं कंसीडर सिर्फ कर रहा हूं फेजर के लिए,
एक्चुअल सर्किट में माइनस इवन नहीं होता, वहां सिंपली क्या होता है, इवन। ठीक है, तो ये बन जाता है ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट। तो मैं ये बता देता हूं कि देखो ओवरऑल जो मैंने बातें की हैं, फॉर फेजर्स, दोबारा से रिमाइंड कर रहा हूं, वी हैव एज्यूम्ड EMF lags flux by 90 degree. Practically, we derive polarity by Lenz law. And then apply ya to EMF एंड डी फाइव बाई डी टी, तो यहां पे लीड बनता है और ई एम एफ माइनस एन डी फाइव बाई डी टी तब बनता है लैग। ठीक है, माइनस कब यूज करते हैं, जब पोलैरिटी जो फिगर में ड्रॉ की गई हो और जो तुमने डिराइव किए वो अपोजिट आ जाए तब माइनस का यूज करते हैं। बट मैंने फेजर बनाने के लिए क्या किया है, जितने भी फेजर डायग्राम मैंने समझाए हैं उसमें मैंने ये माना है कि सेकेंडरी वाला फेजर नीचे बन रहा है यानी लैग करा के बनाया है, और प्राइमरी वाला फेजर ऊपर बनाया है यानी कि लीड करवा के बनाया है। बट फॉर न्यूमेरिकल्स ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, E1 एंड E2 हैव सेम फेस, दोनों का एंगल सेम आएगा, I1 dash and I2 also have same phase. ठीक है, तो ये बात अच्छे से ध्यान रखना, E1 E2 का भी phase same होगा और I1 dash और I2 का भी phase same होगा। Phasor में हम opposite बस बना देते हैं Lenz law दिखाने के लिए, वरना actual में हमेशा किसमें जाते हैं, same phase में। तो ये भी जो भी हमने equation derive किए, इस equation पे बहुत ज्यादा आपको focus नहीं करना है, जब न्यूमेरिकल बनाओगे तो ऐसा सर्किट लेकर के बनाना, प्लस माइनस की कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ये वाला फेजर है E1 फेजर, E2 फेजर, I1 डैश फेजर, I2 फेजर। E1 और E2 सेम फेज में होते हैं, I1 डैश और I2 भी सेम फेज में होते हैं। ठीक है, पोलैरिटी की कोई गलती करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने बताया, ट्रांसफॉर्मर अगर दिखाया ही नहीं तो यूनिवर्सल है माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, क्योंकि आगे भी आने वाली मशीनों में क्या होगा ना कि हर जगह वाइंडिंग इतनी इजीली नहीं शो होती जैसे ट्रांसफॉर्मर में हो जाती है, रोटेटिंग मशीन में तो खास करके ऐसा नहीं होता, तब हम सिंपली लगाते हैं माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। बट ट्रांसफॉर्मर अगर दिखा दे तो पोलैरिटी निकाल के लगाओगे या तो प्लस या तो माइनस, प्लस तब जब दिखाई भी पोलैरिटी और निकाली भी सेम हो, दिखाई और निकाली पोलैरिटी अपोजिट तो माइनस। ठीक है, और मैंने सभी फेजर डायग्राम में प्राइमरी ऊपर बनाया है और सेकेंडरी नीचे, यहां तक क्लियर है ना। तो ये जो हमारा मैंने टॉपिक लास्ट में स्टार्ट किया है, ये है तुम्हारा इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो मैंने ट्रांसफॉर्मर का एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया है। अब इस इक्विवेलेंट सर्किट को हम किधर भी रेफर कर सकते हैं, चाहे तो प्राइमरी साइड और चाहे तो सेकेंडरी साइड, बट ये बात हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में और चीजें डिस्कस करूंगा, पर यूनिट सिस्टम के बारे में बात करूंगा और अप्रोक्सीमेट सर्किट के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये जो एक्चुअल सर्किट हमने बनाया इसको सॉल्व कर पाना काफी टिपिकल है। ठीक है, तो अगला वीडियो जल्दी से इसके बाद व्यू कर लो, क्योंकि इसी का आगे का पार्ट है अगले वीडियो के अंदर, तो इसी को यहीं से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।